हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फाइनली यहां पर जो है आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है फॉर द बैच ऑफ 22। यहां पर जॉइनिंग डेट रिलीज हो चुका है फॉर द बैच ऑफ 22। अब यहां पर आप लोग कमेंट करोगे, सर मेरे पास क्यों नहीं आया, सर ये किस किन को देखने को आ रहा है ये डेट ऑफ जॉइनिंग, मैं बता दूँ। फिर बेसिकली ये जो जॉइनिंग लेटर देखने को आ रहा है ये आपका 22 बैच को देखने को आ रहा है। और इस वीडियो में ये भी बात कर रहे हैं, सर हमारे पास क्यों नहीं आया अभी तक, हम लोग भी तो कर रहे हैं, हम लोग भी का भी वेट कर रहे हैं, सर हम लोग ऑफर के बाद कोई अपडेट नहीं है। तो हम लोग सब क्वेरीज को बात करेंगे, सब अपडेट्स का बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को आगे बात करते हैं। तो आप लोग कुछ इस तरह का मेल देखने को आ जाएगा फ्रॉम द इन्फोसिस टीम दैट वेलकम टू इन्फोसिस कैंडिडेट आईडी पर मेंशन किया गया। आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज डोंट शेयर योर कैंडिडेट आईडी विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, एनी ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज इट्स योर, दिस इज योर ऑफ लाइक दिस इज योर like credential, you can say please don't share with anyone. Okay, October 24, 22, please go through this mail and attachment carefully as it is an important information regarding your joining. You would be have already received your login details to the launchpad portal. You are requested to update all the relevant documents and upload the required documents in the portal to ensure smooth onboarding into Infosys. It is vital for you to review your information carefully and highlighting any discrepancy to me. So yahan par aapko launchpad pe aapko document wagera upload karne hote hain, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है 10th 12th मार्कशीट हो गया, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड हो गया, बैंक जो भी आपको डिटेल्स वाला आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। लॉगिन आईडी आपको पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड फिर आप लॉगिन कर लेना, बहुत इजी प्रोसेस है। कुछ डाउट्स रहता है डॉक्यूमेंट अपलोड में तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पर इन्फोसिस जो ज्वाइनिंग सेंड कर रही है बैचेस में सेंड कर रही है, मतलब सबसे पहले आप लोग का देखने को आ रहे हैं 2022 बैच को देखने को आ रहे हैं, तो इसके पास आप लोग का मे भी आप लोग का नवंबर में देखने को आ जाएगा 2021 बैच का ज्वाइनिंग। इस तरह से मतलब देखो मेरा कहने मतलब ये है कि ज्वाइनिंग्स आएगा बैचेस में आएगा, तो अभी 22 बैच को आ रहा है, इसके बाद 2021 का आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का पहले भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट में, जब भी इन्फोसिस के पास कोई प्रोजेक्ट आएगा, कोई नया क्लाइंट आएगा, नया कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट होगा तो आप लोग को ज्वाइनिंग जरूर सेंड करेगी। तो ये डरने की बिल्कुल भी बात नहीं, अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो आपका ज्वाइनिंग होगा ही होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। और अपना मेल को चेक करते रहना, स्पैम फोल्डर को चेक करते रहना, कुछ डाउट्स रहता है तो कमेंट से कमेंट में पूछ सकते हो, लॉन्च पर ले कुछ डाउट्स है या फिर कुछ अदर क्वेरीज आप लोग कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो ये 24th October आप लोग का जॉइनिंग डेट आया है फॉर द बैच ऑफ 22 के लिए, और 2019 एंड 2021 बैच के लिए भी काफी जल्द जॉइनिंग आएगा। जब भी कोई अपडेट आता है मैं आप लोग अपडेट करता रहूंगा, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।